Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 69 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subjects of graduation courses in IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 69. Which of the following has maximum percentage of availability of water? So आपको बताना है इसमें से किसकी किसमें पानी सबसे ज्यादा है. ठीक है, options are river, lakes, atmospheric water या फिर ग्राउंड वाटर. देखो अगर हम पानी की बात करें, so पानी जो है water, it has covered like 71% area of earth. So 71% area of earth के ऊपर क्या है, पानी है. जिसमें से उस 71% जो आपका पानी है, एरिया ऑफ अर्थ मतलब काफी पानी है, वी डू हैव, बट द मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इज सलीन वाटर, मरीन वाटर, देन फ्रेश वाटर. सो 97.5% वी डू हैव सलीन वाटर, मरीन वाटर, एंड रेस्ट 2.5% इज द फ्रेश वाटर. अब जो आपको ऑप्शन दिख रही है, रिवर, लेक्स या एटमोस्फेरिक वाटर या ग्राउंड वाटर, सो दीज आर द फ्रेश वाटर. ठीक है, तो रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर. अगर हम एटमॉस्फेरिक वाटर की बात करें, एटमॉस्फेरिक वाटर इज द वेपर्स, वाटर में जो वेपर्स हैं उनकी जो परसेंट है वो वेरी करती है. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक वाटर से आपको क्या है, रेनफॉल जब आती है, सो रेनफॉल इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. ठीक है, सो रिवर या लेक की बात करें इनको हम बोलते हैं सर्फेस वाटर, ग्राउंड वाटर आपका अंडरग्राउंड पानी है. ठीक है, तो रिवर एंड लेक जो है, जितना भी हमारे पास फ्रेश वाटर है उसका 0.26 या 0.29 के आसपास जो है, दैट इज प्रेजेंट एज सरफेस वाटर. रिवर, लेक या स्प्रिंग्स, ठीक है, ये आपके हैं पॉन्ड्स, दीज आर द सरफेस वाटर. और मेजर पोर्शन जो आपका फ्रेश वाटर का है, दैट इज अवेलेबल एज ग्लेशियर्स और आइस. ठीक है, फ्रेश वाटर दैट इज 2.5%. इफ वी कंसिडर दैट 2.5% एज 100% वाटर, क्योंकि हम लोगों ने फॉर ऑल द पर्पजेज, फॉर बेदिंग पर्पज, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग, सबके लिए वी डू यूज फ्रेश वाटर. तो 2.5% जो फ्रेश वाटर है वही हमारे पास 100% पानी है. ठीक है, सो उसका 70%, ऑलमोस्ट 70% इज प्रेजेंट एज आइस एंड ग्लेशियर्स, और उसका 29% के आसपास जो परसेंट है, दैट इज प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर. ठीक है, सो ग्राउंड वाटर जो है इसमें से एटमॉस्फेरिक वाटर कुछ पॉइंट्स में, ठीक है, तो इसकी जो एटमॉस्फेरिक वाटर है, वाटर वेपर्स है, इसका जो परसेंट है वो वेरी करता रहता है, उसको तुम एग्जैक्ट नहीं लिख सकते कि दिस परसेंट है. रिवर या लेक्स या पॉन्ड या आपका जो स्ट्रीम्स है उसमें भी बहुत कम है, 0.29 और 0.26, बट सेकेंड मेजर जो पोर्शन है फ्रेश वाटर का, दैट इज प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर, ऑलमोस्ट 29%. ठीक है, सो ग्राउंड वाटर हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अमंग दीज ऑप्शंस. ठीक है, सो डी. नेक्स्ट है, अमंग द इकोसिस्टम्स मेंशन्ड बिलो, वेयर कैन वन फाइंड द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, इनमें से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज किसमें है. देखो मैंग्रोव, मैंग्रोव्स आपके क्या है, आर द ट्रीज, इज द वेजिटेशन जो कि कोस्टल एरिया के पास मिलेंगे. मैंग्रोव बेसिकली आपके ब्रैकिश वाटर में या सलीन वाटर में होते हैं. ठीक है, मतलब मेनली तो ब्रैकिश वाटर में, कोस्टल एरिया के अराउंड जो वेजिटेशन है, दैट इज मैंग्रोव. डेजर्ट्स की बात करें, सो डेजर्ट्स कैन बी हॉट डेजर्ट, दे कैन बी कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, देन कोरल रीफ, कोरल रीफ इज द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम, सॉरी अंडर वाटर इकोसिस्टम आर द कोरल रीफ. सो रीफ जो है दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, ठीक है, ऑफ कोरल पॉलिप्स जो कि हेल्ड टूगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट. सो बेसिकली ये कोरल पॉलिप्स हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आपस में एसोसिएटेड है, हेल्ड है. ठीक है, एल्पाइन मेडोज आपके जो है, इसमें जो मेन वेजिटेशन आपकी है वो आपके मतलब ट्रीज कम है. एल्पाइन मेडोज जो है यहाँ पे हार्श कंडीशन होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन आर हार्श, तो एल्पाइन मेडो में बायोडाइवर्सिटी कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू अबव 3 इज लेस. डेजर्ट्स की बात करें, सरप्राइजिंगली डेजर्ट्स में भी बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है. मैंग्रोव में डेजर्ट से भी ज्यादा बेटर है, बट सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज इन कोरल रीफ.
ठीक है. सो कोरल रीफ जो आपके हैं दे आर अबंडेंट, दे आर हैविंग मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज. सो कोरल रीफ आपको कहाँ पे मिलेंगे? अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है. देन द सॉइल विच इज लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड हैज लो फर्टिलिटी इन इंडिया इज. सो आपको बताना है इनमें से कौन से सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कम है, मतलब उसकी फर्टिलिटी भी कम है. देखो किसी भी सॉइल को फर्टाइल होने के लिए मेन टू थिंग्स, ठीक है. फर्स्ट इज सॉइल शुड हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सॉइल में पोर्स होनी चाहिए, ठीक है. पोर्स होंगी तो एयर होएगी और वाटर होएगा तो उसमें प्लांट्स जो हैं वो सस्टेन करेंगे, ठीक है. सो ये दो कंडीशन जो हैं ये आपकी सॉइल को बनाती हैं, एटलीस्ट प्लांट्स को सस्टेन करने के लिए उसको सुटेबल बनाती, ठीक है. सो टू थिंग्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड पोरोसिटी, या फिर एयर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन द वेजिटेशन इन सॉइल, ठीक है. दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेजिटेशन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो तो इट शुड बी फर्टाइल. तो फर्टाइल कैसे होगी? अगर उस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होएगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे. ऑर्गेनिक मैटर किस सॉइल में होएगा? ऑब्वियसली जो लूज सॉइल होएगी, लूज सॉइल है जिसमें जो उसमें आपके ऑर्गेनिक मैटर भी है, ठीक है. सो लूज सॉइल है, ऑर्गेनिक मैटर भी है. ऑर्गेनिक मैटर जिस सॉइल में ज्यादा है उसमें ऑटोमेटिकली, ठीक है, अगर उसमें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक मैटर वाले सॉइल में पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी और आपकी एरिएशन पोरोसिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है. ऑर्गेनिक मैटर आपकी सॉइल को में जो जो आपकी रूट्स हैं, प्लांट्स की रूट्स हैं, उनको नीचे, ज्यादा नीचे पेनिट्रेट होने के लिए अलाउ करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर आपका लूज होता है, ठीक है. लूज है तो पानी भी उसमें अच्छे से होल्ड हो सकता है और उसमें आपका सॉइल जो पोरोसिटी है वो भी अच्छी होगी. सो ऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल में ज्यादा है, इट इज एन इंडिकेटर कि आपकी सॉइल फर्टाइल है. उससे भी पहले सॉइल को सुटेबल होने के लिए सॉइल में वाटर और एयर होना जरूरी है. और जो सॉइल आपकी लूज है उसमें कंपैरेटिवली चांसेस है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस कि सॉइल विच इज लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड लो हैज लो फर्टिलिटी, उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, वो कौन सी सॉइल है? रेड सॉइल. देखो रेड सॉइल जो है दैट इज फर्टाइल, वेरी फर्टाइल. रेड सॉइल इज वेरी फर्टाइल. रेड सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ठीक है. रेड सॉइल इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. सो इट इज अ फर्टाइल सॉइल, ठीक है. सॉइल विद लोमी टेक्सचर एंड ड्राई कॉम्पोजिशन. सो लोमी सॉइल की अगर हम बात करें, इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द वेजिटेशन इज द लोमी सॉइल, ठीक है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी एडिक्वेट है, जिसकी आपकी पोरोसिटी भी एडिक्वेट है. सो द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फॉर द एग्रीकल्चरल क्रॉप इज द लोमी सॉइल. सॉइल ऑफ डेजर्ट रीजन. देखो डेजर्ट रीजन की जो सॉइल है उसमें वो मेनली डेजर्ट रीजन में सैंडी सॉइल होती है एंड सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लेस. इनफैक्ट उसमें सॉइल उसमें पोरोसिटी बहुत ज्यादा है बिकॉज सैंड के जो पार्टिकल्स है दे आर क्वाइट लार्ज एंड दे आर लूजली बाइंड टू ईच अदर, जिसके कारण सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है. बट ये स्पोर्स जो है वो ज्यादा होती है. जो डेजर्ट रीजन में आपको सॉइल मिलेगी वो आपकी लाइट कलर की, बहुत लाइट कलर की सॉइल मिलेगी और वो सैंडी है जिसमें पानी कम है बट यस एयर ज्यादा है. तो दैट सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर द वेजिटेशन. सो डेजर्ट रीजन की जो सॉइल है वो उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी कम होएगा और उसमें फर्टिलिटी भी कम है इन कंपैरिजन टू द रेड सॉइल, लोमी सॉइल या फिर सॉइल ऑफ हिमालयन रीजन. हिमालयन रीजन की जो सॉइल है उस हिमालयन रीजन में वैसे ही बायोडाइवर्सिटी है. सो हिमालयन रीजन की सॉइल इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल, ठीक है, फुल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सो इन चारों ऑप्शंस में से डेजर्ट रीजन की जो सॉइल है दैट इज कंपैरेटिवली लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड लो इन फर्टिलिटी. क्लियर? सो आंसर इज सी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिस यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से हम क्या यूज नहीं करते? फर्स्ट है बंडिंग. बंडिंग क्या है? बंडिंग बेसिकली तुम कह लो एक वॉल है ना, एक आपने वॉल जैसा बना दिया अराउंड द एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है. आपने वो मिट्टी का भी हो सकता है, बंडिंग इज लाइक यू नो आप कह लो कि ऐसे आपने वॉल जैसा बना दिया अराउंड द एग्रीकल्चरल फील्ड. वो तुम क्यों बनाते हो? ये आपके दो पर्पज सॉल्व करता है बंडिंग. एक तो वो ड्यूरिंग आपका यू नो द रेनफॉल के टाइम पे
वो आपके पानी को बाहर नहीं जाने देता, दूसरा पानी के साथ सॉइल को इरोड नहीं होने देता, ठीक है। सो पानी वहीं पे इकट्ठा हो जाता है और वो आपकी सॉइल है वो आपके एग्रीकल्चरल फील्ड के बाहर भी मूव नहीं करती, ठीक है। कुल कुल की बात करें, कुल ना बेसिकली ये आपके वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका है, कुल, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग वाटर, जिसमें आप नेचुरल जो वाटर बॉडी है, रिवर है या जो भी आपका नेचुरल वाटर बॉडी है, एक्वाटिक बॉडी है, उसका जो उसका उसमें आप डाइवर्जन कर देते हो, पानी को डाइवर्ट कर देते हो ताकि उस पानी को तुम यूज कर सको फॉर द इरिगेशन पर्पज इन योर एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है। सो कुल बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। ये आपके सॉइल को इरोजन को प्रिवेंट करने का मेथड नहीं है। सो आंसर हमें मिल गया कुल। मल्चिंग की बात करते हैं। मल्चिंग बेसिकली कवरिंग द एग्रीकल्चरल फील्ड विद समथिंग, ठीक है। समथिंग कैन बी ऑर्गेनिक मैटर, दैट कैन बी प्लास्टिक शीट्स, दैट कैन बी आपका जो ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें वो बगास भी हो सकते हैं, वो ड्राई लीव्स भी हो सकते हैं, प्लास्टिक की आपके पॉलिथीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपका इवन पैबल्स भी हो सकते हैं। सो मल्चिंग का मतलब है किसी भी चीज से अगर आप अपनी सॉइल को कवर कर रहे हो। अब क्यों कवर कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम ड्राई लीव से कवर कर रहे हो या बगास से, बगास इज द लेफ्ट ओवर मटेरियल ऑफ शुगर केन, ठीक है, या उससे तुम कवर कर रहे हो, वो क्या करेगा, वो इन रिटर्न तुम्हारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी देगा। अगर तुम प्लास्टिक से कवर कर रहे हो या पैबल से कवर कर रहे हो, बट वाई वाई यू आर डू गोइंग फॉर द मल्चिंग, ठीक है। बेसिकली ये चीज है। सो मल्चिंग हम इसलिए करते हैं ताकि आपकी सॉइल में मॉइस्चर बना रहे, आपकी सॉइल जो है वो विंड या हवा के कारण इरोड ना हो, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी प्रैक्टिस यूज होती है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इरोजन बेसिकली होता है खराब हो जाना, सॉइल इरोड होना मतलब सॉइल खराब हो। इरोजन बेसिकली द टॉप मोस्ट रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। अब वेन वी गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट होराइजन होते हैं। जो टॉप मोस्ट होराइजन है सॉइल का, दैट इज ओ होराइजन, जिसमें आपको ग्रासेस और प्लांट्स दिखते हैं। सेकेंड लेयर जो सॉइल की है, मेनली जहाँ पे सॉइल है, दैट इज टॉप सॉइल, ठीक है। जो टॉप सॉइल है जिसमें दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो आपकी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है, वो आपकी है टॉप सॉइल। और टॉप सॉइल जो है वो जब वो रिमूव हो जाती है तो मतलब आपकी सॉइल जो है वो खराब होगी, आपकी सॉइल अब फर्टाइल नहीं रही। अब टॉप सॉइल कैसे रिमूव होती है, या तो विंड के कारण या वाटर के कारण। सो ये आपके दो फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं विंड एंड वाटर, बट उनको एक्सीलरेट कौन करता है, उनकी स्पीड को बढ़ाता कौन है, ह्यूमन, हम लोगों की एक्टिविटीज के कारण विंड या वाटर का जो इफेक्ट है सॉइल इरोड करने में वो ज्यादा हो सकता है, होता है इनफैक्ट, ठीक है। सो सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, नेचुरल एंड मैनमेड फैक्टर। बट नेचुरल एंड मैनमेड फैक्टर, जो नेचुरल फैक्टर्स कौन से हैं, विंड एंड वाटर। मैनमेड जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो भी विंड एंड वाटर के इफेक्ट को एनहांस करती है इन ऑर्डर टू यू नो रिमूव द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। अब हमने सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करने का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेरी कॉमनली यूज मेथड है, दैट इज मल्चिंग। मल्चिंग में हम लोग पूरी सॉइल को, एग्रीकल्चरल फील्ड को कवर कर देते हैं। कब कवर करते हैं, या तो जब तुमने अभी सिर्फ प्लांट ग्रो ही करा है, तुमने अभी सिर्फ वो सीडिंग ही करी है, तब तुम मल्च कर देते हो, कवर कर देते हो, या फिर तुम जब तुमने क्रॉप काट ली है, उसके बाद तुम्हारा एग्रीकल्चरल फील्ड खाली है, अभी तुम्हें नेक्स्ट क्रॉपिंग नहीं करनी, उस टाइम पे तुम अपने फील्ड को कवर कर देते हो। अब कवर करने के लिए आप ऑर्गेनिक कंपोनेंट यूज कर सकते हो या फिर आप प्लास्टिक या पेबल्स यूज कर सकते हो। अब आ गया कि हम मल्चिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सो बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, जो हमने जहां पे हमने छोड़ा था कि हमने मल्चिंग क्यों करनी है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी सॉइल विंड या वाटर के साथ उड़ जाए या बह जाए, ठीक है। हम सॉइल को इरोजन से प्रिवेंट करना चाहते हैं। अगर तुम ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर रहे हो, जैसे कि ड्राई लीव्स या फिर आपके बगास जो है, वो इन रिटर्न आपकी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी देंगे। एक तो वो न्यूट्रिएंट्स देंगे, दूसरा जब तुमने कवर कर दिया, डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द सॉइल, सन का जो एक्सपोजर है डायरेक्ट, वो खत्म हो जाएगा, तो सॉइल आपकी ड्राई जल्दी नहीं होगी, सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा देर के लिए बना रहेगा, ठीक है। तीसरा,
आपकी जो सॉइल है वो हवा के कंटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आएगी, तो आपकी सॉइल उड़ेगी नहीं, टॉप मोस्ट लेयर जो है वो उड़ेगी नहीं, सॉइल इरोजन आपकी कम होगी. सो दिस इज मल्चिंग. अगर हम प्लास्टिक की या पेबल्स की बात करते हैं, दे ऑल्सो मेंटेन द सॉइल मॉइस्चर फॉर लॉन्ग, ताकि सॉइल को बार बार तुम्हें पानी ना देना पड़े. ठीक है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन. सो मल्चिंग भी एक तरीका है सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का, जो हमें डी ऑप्शन में है कि अगर तुम सॉइल में मॉइस्चर को कंजर्व करो, ठीक है, उससे क्या होएगा, ज्यादा सॉइल जो है थोड़ी सी हल्की सी गीली होएगी, तो वो एटलीस्ट विंड के साथ इजीली आपकी मूव नहीं करेगी, मूव अवे नहीं करेगी. सो दो दो फैक्टर्स है ना, विंड एंड वाटर. सो एटलीस्ट हम विंड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं व्हेन योर सॉइल हैज सम मॉइस्चर. सो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन अगर तुम कर रहे हो, चाहे तुम सॉइल मॉइस्चर कंजर्व कर रहे हो बाय मल्चिंग ओनली, उससे भी क्या होगा, तुम्हारी सॉइल एटलीस्ट विंड के साथ नहीं बहेगी. ठीक है, सो बंडिंग, मल्चिंग, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, ये तीनों हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. हाउएवर पुल इज अ मेथड, इज अ प्रैक्टिस विच इज यूज फॉर वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, सो आंसर इज बी, बी इज नॉट अ प्रैक्टिस यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग. देखो, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जिसमें आपकी जो एनर्जी है दैट इज इन फिक्स्ड फॉर्म, जैसे कोल, पेट्रोल, गैस, उसमें आपकी जो एनर्जी है दैट इज इन फिक्स्ड फॉर्म. सो दोज आर द कन्वेंशनल सोर्सेज, जिनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, मतलब द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड वंस दे एग्जॉस्ट. ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो अगर हम बायोमास की बात करें, बायोमास इज नॉन कन्वेंशनल और इट इज रिन्यूएबल. ठीक है, क्यों रिन्यूएबल है, क्योंकि बायोमास से एनर्जी हम लोग, मतलब हम एनर्जी लेते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट से या रिमेन्स ऑफ एनिमल से, सो दैट इज बायोमास. बायोमास में आपका आपका वुड, फ्यूल वुड आ जाता है या आपके ड्राई लीव्स आ जाते हैं. ठीक है, बायोमास का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि हम लोग बायोफ्यूल बना रहे हैं. बायोफ्यूल में स्पेशली हम क्या बना रहे हैं, बायोडीजल बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द यूज ऑफ बायोमास. ठीक है, बायोमास से जो हम एनर्जी लेते हैं वो रिन्यूएबल है. क्यों है, क्योंकि बायोमास इटसेल्फ इज रिन्यूएबल. सो प्लांट्स जो हैं वो जल्दी, बायोमास के लिए बेसिकली अगर हमने एनर्जी लेनी है तो हम ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जो जल्दी ग्रो करते हैं. ठीक है, सो प्लांट्स अल्टीमेटली दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम सन. तो ये सारा आपका क्या है, बायोमास बेसिकली आर द रिन्यूएबल सोर्सेज, क्योंकि बायोमास प्लांट से हैं और प्लांट्स आपकी एनर्जी जो है वो सन से लेते हैं, तो इट इज रिन्यूएबल. जियोथर्मल एनर्जी, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मीन्स हीट. अगर तुम अर्थ के अंदर की हीट को यूज कर रहे हो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑल्सो रिन्यूएबल. सो जो अर्थ के नीचे की हीट है, दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ हॉट गैस, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ हॉट वाटर. ठीक है, इट कैन बी लाइक हॉट मैग्मा, हॉट लावा या गर्म पानी, हॉट, ठीक है, गर्म पानी के स्प्रिंग्स हैं अगर, सो वो सारी आपकी एग्जांपल्स हैं जियोथर्मल एनर्जी की. तो वो भी आपके क्या हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो जियोथर्मल एनर्जी अर्लियर वन ऑफ द वीडियो सेशंस में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट लेट्स गिव मी, अलाउ मी टू गिव सम एग्जांपल. लाइक इंडिया में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट आप प्लेसेस याद करोगे फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. वन इज मणिकरण इन HP, जहाँ पे आपके पास हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, जहां से आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, पानी इतना गर्म है कि उस पानी की एनर्जी को यू आर यूजिंग. ठीक है, दूसरा नाम आप याद करोगे पुगा वैली इन लद्दाख, जिसमें हॉट सल्फर स्प्रिंग्स है. ठीक है, सो दिस इज, दीज आर द, मतलब इंडिया में वी हैव मैनी प्लेसेस जहां पे हम लोग जियोथर्मल एनर्जी को यूज करें एंड इट इज रिन्यूएबल और इट इज नॉन कन्वेंशनल. विंड की बात करें तो विंड मिल जो है, अगेन हवा जो है, हवा से व्हेन यू आर गेटिंग विंड मिल से तुम एनर्जी ले रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी, जिसको तुम न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हो, सो न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लेते हैं, बट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके रिन्यूएबल नहीं है. सो एटॉमिक एनर्जी इज रिसाइक्लेबल, बट एटॉमिक एनर्जी जिससे हम लेते हैं, ठीक है, सो दैट मटीरियल इज नॉट रिन्यूएबल इन इटसेल्फ. दैट इज लाइक मोस्टली हम लोग यूरेनियम 235 यूज करते हैं फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी. सो एटॉमिक एनर्जी आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन, एटॉमिक एनर्जी जो है वो आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मीन्स दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज द सबस्टांस दैट वी यूज टू गेट एटॉमिक एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 235,
इज इटसेल्फ नॉन रेनेड. ठीक है, सो ये आपका है आंसर इज डी. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. सो लर्नर्स, दोज हु आर डूइंग ईदर यूजी और पीजी डिग्री फ्रॉम इग्नू, इग्नू दोस्त इज देयर टू हेल्प यू आउट. We at IGNU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners. We are also helping our learners for their exam through Exampedia. A continuous support of IGNU mentors is there who are helping in completing and submitting the assignments for your career development and even for scaling the personal and social development. You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNU Dost. Thank you. See you in the next session.